नमस्कार गणेश सर, आपण अछि बीएसएस के कंप्यूटर विज्ञान रे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करबा जे सीपीईटी 2021 23 अगस्त टू टेस्ट आरंभ होबार अछि। आ पिला माने एबे कहुथें कि सर क्वेश्चन कोन जी रु आसीबो आ को रु आसीबो, तबे आमे जी भी कोन पढ़िबो, हमर दुईटा जी नै छु इलेक्टिव कोन से गुडा को पढ़िबो, ए प्रकार पिला मानकर शंका मध्ये रहै छि। पूर्व मु आलोचना करै छि गत वर्ष रु कहू छि जे जी रु अरे जी सब्जेक्ट जो मैंने पीजी आवेदन करते हैं सेमान को पाई समस्या आओ एक कथा हम कोई दो उची मोर जो भी ऑनर्स अच्छी सांस्कृत तेरे मुंह सांस्कृत ही पढ़ी भी आओ सांस्कृत रे जनरल इलेक्टिव जो अच्छी सही टाइम मध्य मोर 3 वर्ष कोर्स रे रोक उची है ना तो ना मते आओ जी पढ़ी भगवान पढ़ी वाला है ठीक हो ची जी वासी बा क्वेश्चन अस्सी बा जी रू परंतु आमर जो 3 वर्ष सिलाबस रही से 3 वर्ष सिलाबस ऑनर्स पढ़ुचे से ऑनर्स रे ही जीटा रही जाए जी है ना आ जी जी पाई अलग किसी पाठ ना हम ऑनर्स रे ही जी रही छे एनु को मान को पाई जी पढ़ो पाई पढ़ो जदी पिलाटर संस्कृत नथिबो ऑनर्स आ से कोनसी अलग ऑनर्स रे पढ़तो आ इलेक्टिव रखितो है तो जी रखितो आ जी रे पीजी करबा पाई चाहतो जनरल इलेक्टिव रखितो आ ग्रेजुएशन रे आ सेही सब्जेक्ट रे पीजी करबा पाई चाहतो तो ताकू तार जनरल इलेक्टिव या संस्कृत थिला ताकू संस्कृत पढ़िबा पाई पढ़िबो पई ऑनर्स पढ़िबो पाई जो ऑनर्स पेपर रे पढ़िबो पाई पढ़िबो तो ए नहीं कोन इस जो कॉमन पीजी इंटर टेस्ट जो प्रोस्पेक्टर रहै छी कोन उल्लेख रहै छी ताकू हमें आलोचना करबै चैनल पे जो नया आए हैं चैनल चैनल को सब्सक्राइब करो तो एडा से वाला देखो पॉइंट मोटी विस्तृत तो होकर आलोचना कर देबी जो जो टेस्ट के बारे अच्छी टेस्ट के बारे अच्छी सी हमरो मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन आसीबो आ 1 मार्क गोटे करेक्ट आंसर को 1 मार्क दिया जइबो ठीक उत्तर पाई आ यदि फुल उत्तर रहिछि तबे रॉन्ग आंसर रहिछि तबे कोनसी मार्क दिया जइबो ना त 0 मार्क दिया जइबो एटि कुहाक गला कि नो नेगेटिव मार्क नेगेटिव मार्क कोनसी नेगेटिव मार्क दिया जइबो नाही नम चारिटा होल करले गोटे मार्क जो काटि दिया जाय इति जो विभिन्न परीक्षा रो नियम रहिछि तो ताकू एटी अप्लाई करा जइबो ने जदि पिला के ठीक करै छी गोटे आंसर ताकू 1 मार्क जदि फुल करै छी ताकू 0 है ना तो जते गुडे अटेम्प्ट करले भी किछ समस्या नै कारण नेगेटिव नेगेटिव मार्क एठी कोनसी अप्लाई हो तो दो आंसर आंसर विल बी हाउ टू मार्क द ऑन द मार्क ओएमआरसी तो ये कथा आलोचना करी छे कि ओएमआर सीट दिया जाए एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द सीट हाँ तो जहाँ भी इंस्ट्रक्शन थी वो सही हिसाब से ओएमआर को फिलअप कर पाएं पड़ी हो आओ प्रत्येक पेपर पाएं इंच पेपर विल बी आप 90 मिनट 90 मिनट दिया जाए जहाँ कि 70 क्वेश्चन रही है ना 70 क्वेश्चन रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाएं प्रत्येक पेपर पाएं 90 मिनट का समय दिया जाए है ना तापर देखि परतु मैं एठे अछि कि द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस फॉर ऑनर्स कोर पेपर एहि भागला कि 40 टे क्वेश्चन ऑनर्स रु आसीबो बा कोर पेपर रु आसीबो 40 मार्क बा 40 क्वेश्चन आउ भागला कि 30 क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट देखो सेम सब्जेक्ट बोली कह जाय छी है ना सेम सब्जेक्ट जेनेरिक जेनेरिक इलेक्टिव जहाँ रही है जनरल इलेक्टिव रही है तो इलेक्टिव रु आसीब 30 मार्क तो ये आउ थे मुझे स्पष्ट कर दो जे मुझे जो संस्कृत ऑनर्स नहीं कि ग्रेजुएशन करी ची आउ मोर संस्कृत ही पीजी आवेदन करी ची तेरे मोर जो इलेक्टिव थिला इलाम कर धारणा थिला मु ओडिया रखी ची आउ हिस्ट्री रखी ची कौन ओडिया हिस्ट्री को भी पढ़ेगी अरे तुम्हें तो संस्कृत पीजी करो ओडिया हिस्ट्री कौन इलेक्टिव रखते रहो से पढ़ेगा सेटा पढ़ीबार आवश्यक नै तमरो जो संस्कृत रे जी अछि है ना से जी टा 30 मार्क आछि अर्थात मु त कहबी कि तमे संस्कृत अनु जदि नै छ तमरो
तीन वर्ष जो सिलेबस रही कोर पेपर जहाँ रही हम इलेक्टिव सांस्कृत टा आसी तेणु से इलेक्टिव रु क्वेश्चन आसो अर्थात तुम जब ऑनर्स पढ़ुच तो तीन वर्ष पढ़ी तुमको कौन सी सांस्कृत अप्लाई कर अलग जो इलेक्टिव रही ओडिया हिस्ट्री रखी से कौन से विषय में क्वेश्चन आसवे केवल सांस्कृत ही आस क्वेश्चन है ना तो यह क्लीयर आउे ओडिया इलेक्टिव पढ़व जहाँ इलेक्टिव थी पढ़व हिस्ट्री फिस्ट्री पढ़ी जीव सांस्कृत अरे तुमको जब मास्टर डिग्री करवा संस्कृत तुम संस्कृत आवेदन कर संस्कृत जहाँ जी अच्छी तुम ऑनर्स पेपर अच्छी पढ़ी जीव ठीक अच्छे तो ये सिलेबस आज पर ओल्ड सीबीसीएस यूजी सिलेबस जो ओल्ड सिलेबस रही सीबीसीएस सिलेबस रही पत्री 2016 टू 2019 पर्यंत ये सिलेबस आधार क्वेश्चन आस ठीक अच्छे तो सिलेबस किसी चेंज है ना 2016 2019 जहाँ सिलेबस रही कौन से सिलेबस चेंज है ना तो सिलेबस जहाँ रही क्वेश्चन आस पाई समस्या था कि सर इलेक्टिव भी कौन पढ़ इलेक्टिव कहले प्लस थ्री इलेक्टिव ना से पढ़ ना तुम्हें जो कते इलेक्टिव पढ़ तुम्हें जो मोर संस्कृत अनर्स अच्छी ओडिया इलेक्टिव रखी थी बर्तमान संस्कृत पीजी न करजी आवेदन कर तेबे मुझ इलेक्टिव ओडिया मत पढ़ा पड़ो अनर्स भी पढ़ा पड़ा ओडिया अनर्स जहाँ आस क्वेश्चन हाँ 40 क्वेश्चन आसुचे प्रकार जी 30 क्वेश्चन आसुचे टोटल 70 क्वेश्चन हाँ जहाँ भी डाउट रोच कमेंट कर मुझान करूचे है ठीक अच्छे।